तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में तो ये वीडियो नहीं है, हाँ गाइस ये तो एक वीडियो ही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में ब्लॉग में आपको अपने स्टडी टाइम टेबल बताऊंगा जी। हाँ गाइस, वैसे गाइस मैं गाइस आपको अपना स्टडी टाइम टेबल बताऊंगा। और गाइस पिछले गाइस मैंने दो वीडियोज में गाइस मैंने अनबॉक्सिंग का, एक तो था किताब का था और इसमें आसिल भी बोल रही थी, और एक था जिसमें बस मैंने रिंग टोंग लगा दिया, वही सॉन्ग लगा दिया, और वो था रेडमी नोट 10 का अनबॉक्सिंग। वो मेरे भैया ने लिया है, मेरे भैया ने। और गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारे मेरा स्टडी टाइम टेबल अच्छा लगेगा। आप भी गाइस वहीं फॉलो करिएगा। गाइस मैं अभी गाइस मैं 5 क्लास में रहता हूँ जी। अभी यहाँ गाइस मैं डी पब्लिक स्कूल गाइस में पढ़ता हूँ, और गाइस मैं अभी 5 क्लास में हूँ जी। हाँ गाइस, तो गाइस जल्दी मिलते हैं आपसे अपने स्टडी टाइम टेबल के साथ। और गाइस हम आपको अपने कुछ कुछ बुक्स भी दिखाएंगे। बस तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, और गाइस मैं आपको ये बताने वाला कि मेरा होम मैं सॉरी होम कर रहा हूँ। तो गाइस मैं ये आपको बताने वाला था कि मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊँगा अपने पढ़ाई का। नहीं इधर तो धूप बहुत है, रुकिए इधर चलते हैं, इधर भी देखिए कितना बड़ा भीड़ नहीं है। तो गाइस चलिए हम बतलाते हैं आपको अपना टाइम टेबल। आज मैं रूम में भी बना सकता था पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो क्योंकि अभी बहुत सारा ब्लॉग मैं रूम में बना रहा हूँ। तो बस तो सबसे पहला बात, मैं 6:30 उठ जाता हूँ, और उसके बाद 7 से 8:30 तक का पढ़ता हूँ, और उसके बाद 11 से 12 में मैथ बनाता हूँ, 7 से 8:30 में ऑनलाइन का वर्क करता हूँ, ऑनलाइन क्लास का वर्क, और उसके बाद 11 से 12 मैथ बनाता हूँ, और उसके बाद 3:30 से 4:30 तक का मैं वो करता हूँ, साइंस का फेयर बनाता हूँ, जो भी सब्जेक्ट रहे मुझे उस पर फेयर बना लेता हूँ, और उसके बाद 11 से 12 हाँ, और उसके बाद 7:30 से मैं 7:30 तक का पढ़ता हूँ SST, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद 8 बजे से उसके बाद 7:30 से लेकर 8 बजे तक मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद तो मैं पढ़ता हूँ हाँ साइंस का मैं लर्न कर लेता हूँ जो भी मुझे रहता है लर्न करने वाला, और उसके बाद मैं पढ़ लेता हूँ संस्कृत, और फिर उसके बाद मैं अपना सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी जो भी चीज़ रहता है मैं तो फिर बचा हो चाहे मैं कुछ भी कर लेता हूँ। तो गाइस बस आपको यही बताना था, और गाइस मैं तो बतलाई दे मैं डी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, और मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ अभी। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस गाइस आपको यही बतलाना था आज के ब्लॉग में, और गाइस अगला ब्लॉग कुछ लंबा है, आज का ब्लॉग छोटा ही है यार, उसमें पता नहीं बहुत ज़्यादा धूप है, और अभी आज रूम में बनाने का उतना मन ही नहीं किया, मैं बना रहा था पर मैंने नहीं बनाया। तो गाइस अब से भी आज का मौसम तो उतना अच्छा तो है नहीं। तो गाइस मैं गाइस एक वीडियो डाल देता हूँ अपने पैरेंट का, मैं उसको नीचे में घाट पर टांगता हूँ। मैंने आपको एक बार जब मैं गाइस नदी देख लिया था तो बतला ही दिया था, इस बार मैं आपको अच्छे से बतलाता हूँ, और आपको मैं अपने फ्लावर का एक शॉट तो दे ही दिया। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, देख लीजिए, गुड बाय टाटा। आप ये देख सकते हैं गाइस मैं अपने पैरेंट को यहाँ पर टांगता हूँ, और वहाँ पर मेरे कबूतर सारे रहते हैं अभी बैठी हुई है अंडे पे। तो गाइस यहाँ पर मेरा पैरेंट रहता है, देखिए